अगर आपके भी मेल पर यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से उसे देख सकते हैं और आखिर ऐसे में क्या क्या दिक्कत आती है और इस दिक्कत को हम किस तरीके से परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको यहाँ पर बराबर में शो हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी मेल है वो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जो भी आपकी मेल होगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर कोई अन्य मेल है तो अपनी मेल की प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करके और आप उस मेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो, क्योंकि मेरे भी साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो मेल पर मैं OTP भेजता हूँ वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है या फिर स्पेम में चला जाता है, ठीक है। अब स्पेम क्या होती है और इनबॉक्स क्या होता है वो चलिए हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 3 लाइन पर यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, ऊपर में देखने को मिल गया है आपको ऑल इनबॉक्स, ठीक है। तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होता है कि होम पेज। अब होम पेज पर जो जो भी OTP आए होंगे, जो भी मेल आए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में होता कब है, ठीक है, हो सकता है आपका किसी, अगर आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं और उसका OTP है, ठीक है, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट के आने लगते हैं उसे हम ब्लॉक या फिर स्पेम में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 लाइन्स पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्पेम, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, इसी के साथ में और भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि मेरी मेल हैं, ठीक है। इसी के साथ में अब ये वेबसाइटें हैं यानी कि ये मैंने नहीं डाली है स्पेम में, ठीक है, और ना तो मैंने कोई ऐसा यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन, पर यहाँ पर जो कि जीमेल की प्राइवेसी एंड पॉलिसी है वो खुद से इन चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, और इन्हें स्पेम में डाल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये गेमिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी वेबसाइटें दी गई हैं, ठीक है। तो कुछ जीमेल की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, हालांकि जीमेल वालों को लगता है कि अगर इस तरीके की कोई भी वेबसाइट आती है या फिर कोई भी उसमें लिंक वगैरह आता है तो यूजर्स के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो जाए या फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो इस तरीके के जो गेमिंग से रिलेटेड होते हैं तो उन्हीं की ही OTP यहाँ पर रुकती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप 30 दिन तक देख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटो यहाँ पर डिलीट भी कर देती है जो कि आपको ऊपर में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि 30 दिन के अंदर ऑटोमेटो ही डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना OTP देख सकते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है और इसके अलावा अभी तक कोई भी तरीका नहीं है। और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।